हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी ये बन जाते हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें ब्रेड के गुलाब जामुन। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और शुरू करते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार ब्रेड लिए हैं, इसको किनारे से काट लिया है। वाइट ब्रेड लिए हैं मैंने, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। चार मैंने इलायची ली है, इसको थोड़ा तोड़ लिया है, ये हम चाशनी में यूज़ करेंगे। किशमिश ली है, ये हम गुलाब जामुन की स्टफिंग के लिए स्टफिंग भरेंगे हम। और मैंने एक दूध लिया है मलाई वाला और 200 ग्राम चीनी ली है हमने, इसकी चाशनी बनाएंगे। जी, पैन में हम ये चीनी डाल देंगे, जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। जी देखिए, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम ये सफ़ेद इलायची भी डाल देंगे, इसको क्रश कर लिया है। चाशनी हमें एक या दो तार वाली नहीं बनानी है, बस अच्छे से ये गाढ़ी हो जाए। ये जो हमने ब्रेड लिए थे इसको एक बाउल में अच्छे से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेंगे बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। एक दो बार हम चाशनी को इस तरह से चला देंगे बीच बीच में। ये जो दूध लिया था हमने, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के मलाई भी डाल देंगे और हम इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जी देखिए, मैंने 3 चम्मच इसमें दूध ऐड करा है, 1 चम्मच और डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा भी टाइट लग रहा है ये डो, हल्के से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल ही अच्छे से। जी हाँ देखिए, चाशनी हमारी एकदम बन के तैयार हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम जो है हम ऑफ कर देंगे। जी हाँ देखिए, बिल्कुल हमने अच्छे से इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे, पेड़े यानी बनाएंगे गोल गोल। जितने आपको बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। जी हाँ देखिए, हम इसमें इस तरह से करके एक किशमिश इसमें रख के इस तरह से इसको चारों तरफ से बंद करके इसको गोल करके हाथ से इस तरह से देखिए रखते जाएंगे। जी देखिए, दूसरा भी हम इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथ से यूं प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट रख के इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसमें कोई क्रैक नहीं आने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से बनाएं आप। जी हाँ देखिए, सारे गोले हमने बना के तैयार कर लिए हैं किशमिश की इसमें स्टफिंग भर के। अब इसको हम फ्राई करेंगे गुलाब जामुन को। जी देखिए, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। हल्का गर्म होना चाहिए ऑयल, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल कम गैस पे इसे सेकना है, अच्छे से फ्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गैस होगा तो एकदम से ये फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम मीडियम गैस पे इनको फ्राई करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हम एक एक करके ये डालते जाएंगे। जी हाँ देखिए, सारे हमने इसमें डाल दिए हैं, 1 से 1.5 मिनट हो चुका। धीरे धीरे करके हम इनको पलट देंगे और सुनहरा गोल्डन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
गैस बिल्कुल कम रखेंगे, बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से इसको पलटेंगे ताकि ये टूट ना जाए। ये देखिए धीरे धीरे ये गोल्डन होने लगे हैं और इसको हम ऐसे पलट पलट के अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे बड़े आराम से, हल्के हल्के यूं इस तरह से पलटें। जी देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितने प्यारे गुलाब जामुन फ्राई हुए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद हम सीधा इनमें चाशनी में डाल देंगे। जी देखिए अब हम चाशनी में डाल देंगे और इनको इस तरह से थोड़ा चला देंगे ताकि अच्छे से जो है इसमें चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए, और उसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे हम ताकि अच्छे से फूल जाए चाशनी में। देखिए बहुत ही प्यारे हमारे गुलाब जामुन बने हैं, इसको हम ढक के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जी देखिए पूरे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डिप करके रखा था, देखिए अच्छे से चाशनी अब्सॉर्ब हो गई है गुलाब जामुन में और ये फूल के थोड़े बड़े भी हो गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये बने हैं, अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। जी देखिए गुलाब जामुन को हमने एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें हमारे रेसिपी के अनुसार। अगर हम आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं कि आपको गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी, घर पे ज़रूर ट्राई करें। बस 1-2 बातों का ख्याल रखें कि जब भी आप चाशनी में डिप करें गुलाब जामुन तो 2 से 3 घंटे के लिए उन्हें अच्छे से डिप करके रहने दें चाशनी में, ताकि अच्छे से चाशनी जो है वो गुलाब जामुन में एब्जॉर्ब हो जाए और गुलाब जामुन अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितने प्यारे गुलाब जामुन बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। ओके बाय।